ये नालंदा यूनिवर्सिटी का विहंगम दृश्य है। सूरज निकल रहा है और आप देखिए कि सूरज की किरणें कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये और ये जमीन पर जो घास है और ये जमीन की जो मिट्टी है, ये इस बात की गवाह है कि भगवान बुद्ध समय समय पर यहाँ लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए आया करते थे। तब यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं था, जंगल था, क्योंकि बिहार की जो जमीन है, खास तौर से राजगीर और नालंदा के आसपास की, इसमें कहीं कहीं नीचे बहुत ज्यादा पत्थर हैं, ऊपर पहाड़ हैं, और कहीं कहीं जहां पत्थर का इरोजन हो के आया है, वहां ये मिट्टी बन गई है। बहुत फर्टाइल मिट्टी है, पानी की थोड़ी दिक्कत है, बारिश में पानी बहुत ज्यादा होता है, वैसे पानी कम है, मगर अब तो सिंचाई का साधन भी है। हम नालंदा के सामने देख रहे हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय जिसमें बहुत सारे देशों के लोग पढ़ने आते थे। और ये विश्वविद्यालय का गेट है। बताते हैं कि यहाँ का जो द्वारपाल होता था, यानी गेट कीपर, वो इतना विद्वान होता था कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जब अंदर आता था तो वो उससे कुछ प्रश्न करता था। वो प्रश्न सुन के स्टूडेंट को ये आभास होता था कि वो अभी यूनिवर्सिटी के लायक है या नहीं है। कहते हैं कि 10% लोग ही, स्टूडेंट ही, यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लायक होते हैं। ये वो गेट है। अब यहाँ द्वारपाल तो है नहीं, मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ और यहाँ सब लोग देखने आते हैं, दुनिया के सभी लोग। तो यहाँ एंटर करने के बाद में वो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता था। अब मैं दुनिया की नंबर 1 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। यहाँ 300 कमरे बताए जाते हैं। यहाँ का लाइब्रेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी बताई जाती है। और ये मोटी मोटी दीवारें हैं। यहाँ 8500 तक स्टूडेंट दुनिया भर से पढ़ने आते थे और 1500 टीचर यहाँ रहते थे। लगभग एक स्टूडेंट के ऊपर, 5 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर, ऐसा बहुत कम होता है। और यहाँ कमाल की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का कोई खर्चा नहीं। एक बार अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया तो फिर सारी खर्चा, सारी चिंता यहाँ के टीचर्स की और प्रोफेसर की और मैनेजमेंट की। 200 गांव का जो रेवेन्यू आता था उससे खर्च चलता था। राजा अपने राजकोष से पैसा देता था और इसको कुछ जमीन भी अलॉट हुई थी जिससे खेती करते थे स्टूडेंट सारे भिक्कू, और वो जो पैसा आता था उससे भी खर्चा इसका चलता था। उस समय के जितने भी सब्जेक्ट होते थे, किसी से भी संबंधित, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ अप्लाई जाते थे। भगवान बुद्ध के समय में यहाँ ईंट पत्थर नहीं होते थे, सिर्फ जंगल होता था। वो कभी कभी यहाँ आके पढ़ाते थे। उस समय स्टूडेंट उनके साथ भिक्खु संघ के रूप में होते थे। रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स बाद में आने शुरू हुए। लगभग 413 ईसा के बाद कुमारगुप्त ने इसको रेजिडेंशियल रूप से ईंट पत्थरों में बनवाना शुरू किया और सैकड़ों साल तक ये बनती रही, चलता रहा। जैसे जैसे स्टूडेंट आते रहे, वैसे वैसे एरिया की रूम्स की जरूरत पड़ती गई और बनते गए। ये सब देखिए, ये कमाल की चीज है सारा। और ये सारी पुत्र का चैत्य है, स्तूप है, कब्रगाह भी बोल सकते हैं। और इसी सारी पुत्र के स्तूप से पता चला था कि इस जगह का नाम नालंदा है। बौद्ध साहित्य में नालंदा शब्द नहीं है, नल शब्द आता है, जिगे जिक्र होता है। सारिपुत्र को पहले ही आभास हो गया था कि भगवान बुद्ध का परिनिर्माण होने वाला है, वो अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। वो नहीं चाहता था कि भगवान का परिनिर्माण उनसे पहले हो, इसलिए उसने भगवान से आज्ञा मांगी कि परिनिर्वृत होने की,
और भगवान ने उनको आज्ञा प्रदान की और वो 100 बार उनके चक्र लगा के यानी धम्म चक्र लगा के और यहाँ आ गए इस जगह। इसलिए जो लॉर्ड कनिंगम है उसने इसकी 33 स्तूप से जो खुदाई हुई वहां से पता चला और तब इस जगह का पता चला कि ये तो नालंदा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात पहली भारत की नंबर 1। आप तो खैर भारत की 200 यूनिवर्सिटी में से भी एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो नंबर 1 हो। नंबर 1 की तो बात छोड़िए, पूरी दुनिया की 200 यूनिवर्सिटियों में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत ही मामला ख़राब है एजुकेशन का। धम्म जाने के साथ साथ एजुकेशन भी चली गई भारत की और भारत फकीर हो गया, भिकमंगा हो गया। जो एजुकेशन दुनिया को वो देता था आज उसे खुद एजुकेशन के लाले पड़ रहे हैं। उसके स्टूडेंट खुद दुनिया में जाके 20 लाख रुपए साल पे पढ़ रहे हैं और वो भी 2 पैसे की पढ़ाई। ये बड़े कमाल की बात है कि जहाँ सारा स्टूडेंट दुनिया का पढ़ने आता था अब वहाँ के स्टूडेंट खुद दुनिया से पढ़ाई की भीख मांगते घूमते हैं। बुद्ध का शासन एक बार फिर आना चाहिए। कितने कमाल की बात थी कि स्टूडेंट को पैसे देने की जरूरत ही नहीं थी। स्टूडेंट आ गया तो उसके चीवर का खर्च भी विश्वविद्यालय ही उठाता था, उसके रहने खाने पीने का। स्टूडेंट आ गया तो वो देश का हो गया। अभी तो यहाँ मारामारी मची हुई है, कोई भी स्टूडेंट देश का है ही नहीं। कोई पब्लिक स्कूल का है, कोई सरकारी स्कूल का है, कोई मदरसे का है, कोई गुरुकुल का है, सब अलग अलग है, मगर देश का स्टूडेंट कोई नहीं है। मैं सुधीर राज सिंह नालंदा यूनिवर्सिटी के जो अवशेष हैं, भग्नावेश हैं, या ये कहें कि जो डेब्रीज हैं, खंडर हैं, बड़े बड़े कमरों की जो आधारशिलाएं हैं उनके साथ नालंदा जिले से, बिहार, इंडिया, भारत, धन्यवाद।